Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you'll never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @cookcrispies123. There, I share the live updates of what I do and what I eat. हेज में कैसे दिया? वैसे तो मैं किनवा केक ट्राई करने वाली थी, मगर अब मैं सोचती हूँ ना कि पहले कैसे दिया खा लेती हूँ, क्योंकि शायद वो गर्म ही अच्छा लगेगा मेरे को। और ये रहा वेजिटेबल कैसे दिया, ये आए दो टाइप की मेयो के साथ। आई गेस दिस इज पेरी पेरी मेयो एंड दिस वन इज द मिंट मेयो। बाय द वे आई डोंट रियली लाइक मेयो। मेरे को पता होता मेयो के साथ आएगा तो मैं मना कर देती, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक है ही, तो मेयो की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ये ना देखने में ही थोड़ा कच्चा कच्चा लग रहा है, मगर इतना गर्म है ना, आई जस्ट कांट टेल यू, पकड़ा नहीं जा रहा है। और पहले मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखा देती हूँ खोल के। ओके, तो इसके अंदर इन्होंने मेयो ही डाल रखी है ये वाली, और थोड़ा चीज़ भी दिख रहा है मेरे को, बिकॉज चीज़ फुल आ रहा था। इसमें थोड़ी सी ग्रिल्ड वेजीज भी डली है, लाइक अनियन, जुकीनी। और ये जो आउटसाइड कवरिंग है ना, बेसिकली द रैपर, दिस इज टॉर्टिया। ये काफ़ी अच्छा है और सरप्राइजिंगली तीखा भी है। यहाँ पे ना हमेशा पास्ता के अलावा एक और चीज़ का लाइफ काउंटर होता है। और एक बारी तो यहाँ पे बरीटो का था, और ना एक बारी मैगी का भी था, और एक बारी भेलपूरी का भी था। तो मतलब हर बारी कुछ ना कुछ डिफरेंट रखते हैं ये। आज ये कैसे दिया है यहाँ पे। दिस थिंग इज़ रियली गुड। पहले मेरे को इसे देख के लग रहा था कि क्रिस्पी नहीं है तो अच्छा कैसे लगेगा, मगर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ना क्रिस्पी भी है, बस कलर थोड़ा वाइट है, अदरवाइज इट इज़ रियली गुड। चार पीसेस आए हैं इसमें। आई डोंट नो, अगर आप इनके मेन्यू से ऑर्डर करोगे तब भी इतना आएगा या ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आना चाहिए वैसे तो, बिकॉज बुफे में हर चीज़ थोड़ी कम आती है। मैं सारा तो नहीं खा पाऊँगी ये, बिकॉज आई हैव टू ईट दैट ऑल्सो। तो मैं वेट करूँगी अपनी सिस्टर का, और वो खा लेगी इसे। सो या, बाय द वे यहाँ पे कॉफ़ी और टी का भी लाइफ काउंटर है। केसेडिया बहुत अच्छा था। आई एम बैक टू द कॉन्टिनेंटल मेन्स। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी केनवा केक। वेजिटेरियन डिश है ये, केनवा मेरा फेवरेट नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत पहले ना फ्रेश मेन्यू से ट्राई किया था, और ना बहुत कड़वा सा आया था वो। आई होप ये अच्छा हो। दिस इज गुड। कैपेचिनो कॉफ़ी ले आओ, या लाटे होगी? लाटे ले आओ। सरप्राइजिंगली किनवा केक मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। मैं इसे पूरा खा लूँगी, और ना किनवा बिरयानी नहीं लाऊँगी अब, बिकॉज एक डिश किनवा की हो गई ऑलरेडी। नाउ गोना ट्राई द वेजिटेबल्स इन ब्लैक पेपर सॉस। दिस लुक्स सो गुड। ये वाली वेजीज अच्छी हैं, मतलब जो पहले मैंने ओरिएंटल डिश खाई थी ना, वो थोड़ी मीठी थी, मगर ये नहीं है बिल्कुल भी, और हल्की स्पाइसी भी। इनफैक्ट आप इन्हें पेयर कर सकते हो फ्राइड राइस के साथ। वैसे मेरे को नूडल्स ज़्यादा पसंद हैं, मगर यहाँ पे राइस है तो उन्हें ट्राई कर लेते हैं आप। मैं ना बहुत कम राइस लाई हूँ, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक फ्राइड राइस। मैं देखने में तो अच्छे लग रहे हैं ये, और इसमें होल रेड चिलीज भी डली हुई है। इसमें थोड़ी सी, इसमें ये वाली बीन्स लगा लेते हो, काम करते हो। ये राइस तो बहुत क्रिस्पी हो गए हैं, शायद रखे रखे हो गए होंगे बॉक्स में।
थैंक यू। ये राइस ना अच्छे हो सकते थे एंड आई गेस ये अच्छे ही हैं। अभी ना वो रीफिल करके आए हैं बॉक्स, तो वहाँ पे फ्रेश राइस है। ये शायद थोड़ी देर से रखे थे इसलिए ना क्रिस्पी हो गए, मगर वो वाले सॉफ्ट होंगे। सो या राइस इज़ गुड एट दिस प्लेस। नाउ आई एम गोना ट्राई द कॉफ़ी। कॉफ़ी को मैं कैसेडिया के साथ इंजॉय करने का सोच रही हूँ। सो या गाइस मैं ये सब फिनिश करती हूँ और फिर मैं आपको मिलूँगी डेजर्ट्स के साथ। बाय द वे यहाँ पे कॉफ़ी में लाटे का ऑप्शन है, कैपेचिनो का है, एस्प्रेसो का है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन पे। आप पूछ लेना और आप मंगा लेना जो भी आपको चाहिए हो। गाइस आई एम बैक विद द डेजर्ट्स और ना मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर रहा है इस टाइम पे, तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा लाई हूँ। वैसे वहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत थे, तो मैं आपको एक बार घूम के दिखा दूँगी कि क्या क्या था वहाँ पे। फिलहाल मैं अपने लिए ये सब लाई हूँ। दिस इज़ द ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, ऑरेंज मफिन एंड सम बेसन का हलवा। खुशबू अच्छी आती है इसलिए मैं ले आई, मगर बहुत कम लेकर आई हूँ। सो नाउ आई एम गोना ट्राई द ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। आना काफ़ी अलग से है बिकॉज इसके ऊपर ये कैंडीड बेरीज भी थी। आई डोंट नो क्या है ये, मगर मेरे को लगा कि ये ब्लूबेरी है। तो पहला बाइट लेते हैं इसका। एक्चुअली यहाँ से अच्छे से कट नहीं दिखा हुआ ना, कोई इधर से दिखाती हूँ। काफ़ी क्रीमी है ये, इसके अंदर आप देख सकते हो चॉकलेट स्पॉन्ज है, बहुत पतले लेयर है उसके और क्रीम भी है इसमें। तो फर्स्ट बाइट लेती हूँ अब मैं पेस्ट्री का। वहाँ पे एक और थी ऐसी, मतलब वो ना ऐसे कुछ मट पोडिंग केक पेस्ट्री, मगर वो देखने में ऐसे लग रही है कि चॉकलेट की है, तो मैं वो लेकर नहीं आई अपने लिए। और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा केक रखा है, उसका भी स्लाइस ले सकते हैं, मगर मैं लाई नहीं बिकॉज फिर ज़्यादा ही डेजर्ट हो जाता। दिस थिंग इज़ रियली गुड। थोड़ा मीठा कम होता तो बेटर लगता, मगर ऐसे भी अच्छा लग रहा है। मैंने ना गलती कर दी, पहले मैंने इसे खा लिया, मेरी स्पून बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। सो आई गेस आई एम जस्ट गोना लिक इट ऑफ। अच्छी पेस्ट्री है, स्पॉन्ज काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट है, विप क्रीम इज़ रियली लाइट एंड फ्रेश। मज़ा आ गया इसे खा के। अब मैं ये मफिन ट्राई करूँगी। मैं ये ना बस इसलिए लाई हूँ बिकॉज इतना सुंदर था। उसके ऊपर ये गेंदा फूल है आई गेस, हाँ दिस इज़ मैरी गोल्ड। सुंदर लग रहा है, विप क्रीम कितने अच्छे से लगाई है और इसका स्पॉन्ज देखो कितने अच्छे कलर का है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और एगलेस भी है। दिस थिंग इज रियली गुड। और ना इसमें ना इन्होंने ऑरेंज जेस्ट डाला हुआ है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है ये डेजर्ट। अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों को तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी लाइट फ्लेवर है इसके, ओवरली मीठा भी नहीं है। इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा बेटर है। दिस इज़ द बेसन का हलवा। इन्होंने हलवे में इतना ज़्यादा घी डाला था कि जो सर्विंग स्पून था ना उसमें घी जम गया था बिकॉज वो बाहर एसी में था और इसका लिड तो बंद था तो ये गर्म था और इसलिए इसका घी नहीं जमा अभी। तो इसे खाती हूँ। बाय द वे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग बेसन का हलवा। अच्छा है, ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक जो गुरुद्वारे में मिलता है ना हलवा वैसा सा लग रहा है। मगर मैं इन तीनों में से अपना फेवरेट बताऊँ तो मुझे ये वाला बेस्ट लगा। दिस इज़ ऑरेंज मफिन, बहुत रिफ्रेशिंग है और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वाला मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
या गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।